अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सैन की ड्रीम्स। आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बढ़िया सी रेसिपी, कैबेज पकोड़ा, जो बहुत ही टेस्टी और आसानी से बन जाती है। चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं लूँगी कैबेज फाइन चॉप्ड 2 कप्स, बेसन एज रिक्वायर्ड टू कैबेज, जितना हमें ज़रूरत लगे उतना मैं आगे बताऊंगी, ऑनियन 1 मीडियम साइज फाइन स्लाइस्ड, 2 टीस्पून हरा धनिया, चिलीज 2, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, सोडा बेकिंग सोडा 2 पिंच। चलिए हम इसको ऑनियन को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए कैबेज के साथ अच्छे से मिक्स कर ले। अब हम इसमें स्टेप बाय स्टेप डालते जाएंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। अच्छे से इसको कंबाइन कर दें। ये देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है हमारी गोभी, बंद गोभी। अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम बेसन डालेंगे फ्रेंड्स, ताकि ज़्यादा थिक ना हो। ये देखिए इसी तरह आपको भी धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा बेसन डालना है। थोड़ा पानी डाल दें, करीब 2 टेबलस्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है हमारा मिक्सचर। अब ऑयल को हीट के लिए रख दी हूँ मैं। ऑयल को सेव करने के लिए हम इसमें थोड़ा नमक ऐड करेंगे, इससे हमारा ऑयल ज़्यादा सोक नहीं होएगा। अब पकोड़े को हम पकोड़े शेप देके हम इसमें डीप फ्राई करेंगे। बहुत ही आसानी सी रेसिपी है फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्नैक खाने का मन किया तो आप इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। इसको हल्के हाथों से टर्न कर लें। ये देखिए कितनी अच्छी तरह ब्राउन कलर आ चुका है। सारे पकोड़े को हम ऐसे ही मिक्स कर लेंगे, यानी टर्न कर लेंगे। अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया से बने हैं हमारे पकोड़े। अब हम इसको प्लेटिंग कर देंगे। ये देखिए कितनी अच्छी तरह लग रही है। ये देखिए मैं तोड़ के बता रही हूँ आपको, कितने सॉफ्ट, अंदर से सॉफ्ट ऊपर से क्रिस्पी बने हैं। इसको सॉस के साथ सर्व करें। सॉस के साथ खाने से मज़ा ही आ जाएगा फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।